सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे पूरी तैयारी के साथ गई थी। वसुंधरा राजे अपने साथ साथ लोकसभा क्षेत्र का हिसाब लेकर गई थी कि आखिर किस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन सही था और कहां पर खराब था। यही नहीं, विधानसभा स्तर पर बीजेपी क्यों हारी और क्यों जीती, साथ ही किस नेता ने किसकी पैरवी पर टिकट दिलवाई थी। तो वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात में किन विषयों पर बातचीत हुई, दरअसल ये भी आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी है न्यूज 18 इंडिया को मिली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात है, वसुंधरा राजे पूरी तैयारी के साथ जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्र का हिसाब लेकर वसुंधरा पहुंची थी, क्योंकि हर जगह का आइडिया उन्हें पूरी तरीके से है। हर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रदर्शन की जानकारी उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष को दी है। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की जीत और हार का ब्यौरा भी दिया कि आखिर कहां पर किस वजह से जीत हुई और कहां पर किस वजह से हार हुई, किस नेता ने किसकी पैरवी का टिकट दिलवाई थी, इसकी जानकारी भी वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को दी। इतना ही नहीं, पैरवी पर टिकट पाए उम्मीदवारों का लेखा जोखा भी जेपी नड्डा के सामने वसुंधरा राजे ने रखा है, यानी कि पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। बागी उम्मीदवारों के पीछे अपना नाम आने पर उन्होंने अपना पक्ष जो है वो साफ तौर पर क्लियर कट जो है जेपी नड्डा के सामने रख दिया। जेपी नड्डा ने सरकार गठन पर वसुंधरा राजे से राय मांगी कि आखिर उनका जो है वो क्या कुछ कहना है, और वसुंधरा राजे ने सारे फैसले आला कमान के ऊपर छोड़ दिए हैं, जिसमें अब ये जानकारी है कि देखिए अब वसुंधरा राजे ने जो है अपनी बात जेपी नड्डा के सामने रख दी है। और सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, इस बात के क्या मायने निकाले जाए, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मुलाकात के जो मायने निकालना है वो साफ तौर पर है कि वो अपने बीजेपी नेतृत्व से वो मिली है, यानी कि जो उनके बॉस यहाँ पर है दिल्ली में, पार्टी के बॉस, वो यहाँ पर उनसे मिली। उन्होंने अपनी बात कही है कि आखिरकार बीजेपी की जीत किस कारणों से हुई, और कहीं हार भी हुई है जिन विधानसभाओं में, तो उन विधानसभाओं में हार के क्या कारण रहे, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में उन कमियों को दूर किया जा सकता है और उससे भी दुगनी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव जो 25 लोकसभा सीट है उन पर जीत हासिल की जा सकती है। ये इस तरह की बात वसुंधरा राजे ने वहां पर कही है। जहां तक सरकार गठन की बात है तो उसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट बीजेपी नेतृत्व ने उनसे नहीं कहा है। हालांकि अब वसुंधरा राजे ने यह जरूर भरोसा दिलाया है कि जो भी फैसला राजस्थान को लेकर होगा वो उसमें उनके साथ है, यानी कि जो भी फैसला होगा वो उनको स्वीकार होगा, क्योंकि जो सीटें हैं, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, तो ऐसे में कोई भी नेता बगावत करे या कोई भी बगावती तेवर अपनाए वो शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से सीटों का जो ठीक है। यतेंद्र, हालांकि थोड़ा सा और इंतजार करना